हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा The Brahmurat is so nice. You can hear the vibrations are so sweet and in Vrindavan forest seemingly. And the birds are chirping. So Brahmurat is very, very special. So yeah, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम लोग भक्तों के संग में भगवान का नाम ले पा रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा आदमी को प्रभाव पड़ता है जीवन में भक्तों के संग का. इसीलिए शास्त्रों में भक्तों के संग की बड़ी महिमा बताई गई. परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कैसे उनके जीवन में जब वृंदावन आए थे 1970 ईस्वी में करीबन, जब वो अपने घर बार छोड़कर भगवान की खोज में वृंदावन आए, तो वहां पर बहुत सारे संत थे. उनके एक संत से भेंट हुई जिनका नाम था किंचन दास बाबा जी महाराज. और उनका तो रामनाथ महाराज भी वृंदावन में सब बाबा जी के समान घूमते रहते थे भगवान की खोज में. तो एक मठ में वो रहते थे, तो उस मठ में अकिंचन देश महाराज जी को देखते थे. वो बताते थे जब भी उनको देखते देखते जप ही करते रहते थे. रात को भी उठते देखते थे वो जप ही, कभी भी रात को उठेंगे वो देखेंगे जप करें, समझ रहे हैं. तो रोज वो लोग सुबह 4-4 घंटा बैठ के अकिंचन देश महाराज जी को आयदा हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे या कुछ भजन गा रहे होंगे. तो इस प्रकार से उनको, और ये लोग दोनों कभी बात नहीं करते थे, अपना भजन कर रहे हैं वो उसको देखते थे, कभी स्माइल देते थे. बाहर उस समय 20 साल के बच्चे थे, लड़के थे, और बाबा जी महाराज थोड़े बड़े थे. तो जस्ट साथ में जब करते करते एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता बन गया. उन्होंने कभी एक बार भी बात नहीं किया, लेकिन केवल साथ में हरे कृष्ण मंत्र जप करने से क्या हो गया, बहुत घनिष्ठ रिश्ता. तो वैसे जब भक्त लोग साथ में भगवान की भक्ति करते थे, घनिष्ठ रिश्ता जुड़ जाता है. एक बार तो रोज मंगल आरती में जाते थे, एक दिन वो नहीं आ पाए महाराज. उस दिन रात भर परिक्रमा करने गए थे, तो फिर वो एक तालाब था वहां से पानी पी रहे थे, तो कहीं से आवाज सुनाई दी, वेर वेर यू फॉर मंगला आरती टुडे. क्योंकि ब्रज में उस समय किसी को इंग्लिश आती नहीं थी 1970 में, हार्डली 2-3 लोग को आती होगी. मतलब अंग्रेजी 1970 में बहुत मुश्किल थी किसी को, समझ रहे. वही फ्लुएंट इंग्लिश, समझ रहे. शौक होकर महाराज घूम के देखे, देखे बाबा जी महाराज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 राम. तो सोचे कि बाबा जी महाराज को तो अंग्रेजी आती नहीं है, वो नहीं बोलेंगे, कोई और बोला. उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वो पानी पीने लगे. दूसरी बार फिर आवाज आई, वेर वेर यू फॉर मंगला आरती. बहुत सारे मंदिर में मंगला आरती सुबह 4 बजे होती है, 4:30 बजे. फिर शौक हो गया, फिर देखे पीछे बाबा जी महाराज हरे कृष्ण जप करे. उनको लगा कि भाई महावीर जी महाराज से पूछते कौन बोल रहा है, बोलूंगा समझेंगे कैसे, पूछूंगा हु स्पीकिंग, तो बाबा जी महाराज समझेंगे तो पूछे नहीं. फिर उसके बाद फिर वो अपना पानी पीने लगे थे, सिंह फिर आवाज आए, वेर वेर यू फॉर मंगला आरती टुडे. फिर तीसरी बार पूछे, समझ में नहीं आ, फिर घूम के देखो समझ में नहीं आया. महाराज के देखने लगे, देख रहे थे. बोला why are you not answering my questions? आप वो देख रहे. तो उनको एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आती थी, महाराज बताया मेरे से भी अच्छी इंग्लिश आती थी, लेकिन वो उनके साथ 6 महीने रहे, कभी उन्होंने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल
हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो उनका इतना सम्मान था, इतना उनको, लेकिन कभी उन्हें दिखाया नहीं। लेकिन जब उनको सेवा के लिए जरूरत थी, जब महाराज एक दिन नहीं आया तब उन्होंने पूछा। तो देखते हैं कि महान भक्त जो होते हैं उनमें कोई दूसरों को दिखाने की कोई इच्छा नहीं होती, वो तिनाद अपि सुनी चाहिए, तिनके से भी अपने आप को निम्न समझते हैं। इसके कारण उनको हरे नाम में गजब की रुचि देते हैं भगवान, हमेशा जप करते रहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे। तो हरे नाम में अगर रुचि उत्पन्न करनी है तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं कब विनम्र बनूंगा, कब मैं अमानी नमानी नतिनाद कृष्ण जी, कब ये भाव आएगा। जब ये भाव आएगा तब अपने आप भगवान के नामों में क्या निकलेगा, रस। जब तक हम लोग अपने आप को प्रधान बनाना चाहेंगे तब तक रस नहीं आ। तो इसलिए महाराज बताए थे कि उनके जीवन में जस्ट बाबा जी महाराज से ज्यादा कुछ बात नहीं, लेकिन वो रात भर जप करते थे एकादशी के दिन इमली ताल पे, दिन भर रात भर भजन ही करते रहते थे। तो उनकी जेन्युइन भक्ति को देखकर महाराज के अंदर बहुत एक भक्ति की ज्वालामुखी जागृत हो गई। क्योंकि तो इसीलिए हम कितना भी प्रवचन सुन ले, कितना भी सुन ले, लेकिन कोई जेन्युइन भक्त से मिले जिससे भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिसकी नाम में रुचि है, जिसका विश्वास है, तो क्या होता है हमारे अंदर भी वो भक्ति की जो ज्योति है वो प्रज्वलित। इसलिए शास्त्र में भक्तों के संग की बड़ी महिमा बताई गई। इसीलिए हमें भी बहुत ही, जब आदमी बहुत भाग्यशाली होता है, कोटि कोटि जन्मों के फल उदित होते हैं, तब उसे क्या मिलता है, जन्मिन भक्तों का संग। तो आज हमारा ही बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारे वॉइस में आज इस होलनेस भक्ति प्रेम महाराज आएंगे। महाराज का बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वो एक जन्मिन भक्त है। मतलब उनको एकदम सिंपल भक्त, महाराज होने के बाद भी वो बोलते हैं कि मुझे तो वॉइस में थोड़ा सा सुख, मेरे को कोई, उनको कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए। अभी भी वो नाचते गाते हैं तो हमारे वॉइस में आते हो, वो तो बोलते हैं कि मेरे को वॉइस में, कहीं पर उज्जैन में रहते हैं वॉइस ले जाते हैं एक छोटा बैग लेके, कहीं पर सो जाते हैं। तो बताया तो कैसे, और उनको इतना हरिनाम में रुचि है, वैष्णव के प्रति सम्मान इतना, मतलब उनका हर गुणों संपन्न, इसलिए सब जगह उनको लोग खोजते हैं। जेन्युइन वो वैष्णव है। जिस प्रकार से कहीं पर मीठा रखा गया है तो सीटी अपने आप उसको खोज लेती, समझ रहे। जैसे कल हमारे भगवान का अभिषेक कर रहे थे भक्तों पर प्रेम से, तो उन्होंने भगवान को टेबल पे रख दिया था अच्छे से। तो ऐसे तो नीचे क्रेजी लाइन लगा के रखते हैं, तो लक्ष्मण रेखा लगाया तो सीटी नहीं आती, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए रखा, थोड़ी देर में तुरंत वहां पर क्या आ गई, समझ रहे। एक दो घंटे में पूरा चींटी एकदम अटैक कर दी कि भाई मिल रहा है यहाँ पर, क्या मिल रहा है, फिस्ट मिल रहा है, समझ रहे। पुष्प का वो जो रहता है, पुष्प को देख के वो एकदम चींटी एकदम शहद खोजता है कि मिलेगा उसके अंदर कुछ, समझ रहे। तो भाई से दुनिया में जब जेन्युइन भक्ति होती है आपके अंदर, सब लोग आपको खोजते हैं। तुम्हारा तो इतना व्यस्त शेड्यूल था महाराज का, फिर भी उन्होंने हम लोग के लिए कुछ देर समय निकाला है, तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो हम लोग, क्योंकि प्रवचन तो हम लोग बहुत सुन लेंगे, आपको ज्ञान तो बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति जो उसको अप्लाई करे, वैसे व्यक्ति का संग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो आज का सुबह कलकत्ता में पानीहाटी में प्रोग्राम रहेगा, उधर से महाराज निकलेंगे नंद कुमार होते हुए, वहाँ से प्रोग्राम करते हुए महाराज यहाँ पर मोस्टली 10:30 बजे तक आएंगे, 11 बजे तक आएंगे, 11 से एक क्लास देंगे, उसके बाद थोड़ा प्रसाद लेंगे, थोड़ा सात्विक प्रसाद, और फिर उसके बाद तो हो सकता महाराज रेस्ट रेस्ट लें, और उसके बाद फिर हो सकता हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर लोकल कांग्रेगेशन बारिश नहीं हुई तो टेम्पल हॉल में एक छोटा कांग्रेगेशन डिवोटीज के लिए एक छोटा कर देंगे, अगर महाराज की सम्मति हुई तो। उसके बाद महाराज प्रस्थान करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी